रिकॉर्ड की थी, इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर हमने सवाल कर लिए तो इसका मतलब यह है कि हम सारे सवाल कर सकते हैं बाकी जो आगे आने वाले हैं, तो आज ही करेंगे। अगर आपने कर लिए तो समझ रहे हो ना, आप सारे सवाल कर सकते हो। आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसका मतलब यह है सीबीएसई बोर्ड और ईपी बोर्ड वाले दोनों बच्चे ये वीडियो देख सकते। तो अब बात करें त्रिकोणमिति होती क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये ट्राइंगल है, इसका नाम आपको पता होगा, मुझे भी पता है, इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब है कि यानी एक एंगल इस ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इतना हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी, ठीक है, इसका नामकरण भी हो गया है। इतने के बाद अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी थ्री। क्या होते हैं ये थ्री? पहला होता है साइन, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है, कॉस और टेन, ये तीन मेन होते हैं, ठीक है। और इनके तीन रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट, ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। इतना होने के बाद ये इस ट्रायंगल के अंदर है, केवल इसे ओनली यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, केवल इसी ट्रायंगल में यूज होगी। इतना बात चला आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें यूज होगी, बाकी में क्यों नहीं होती, क्योंकि तो इसकी कंडीशन है कि वो 90 डिग्री ट्रायंगल वाले में होंगे और वही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो आपको पता है एक थ्योरम आती है, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप सोचेंगे इसका क्या यूज है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर मुझे ये साइड दी है और ये साइड दी है और मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन मेरे को बेस निकालना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस दिया है तो मुझे परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि मैं इन साइडों की वैल्यू निकाल सकूं कि इनकी लेंथ कितनी है, ठीक। तो इसको आपको पता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इक्वल प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है थ्योरम। इसका मतलब है हिंदी में हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण और पी से मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर यानी, और बी से होता है बेस का मतलब आधार, वो किस पर खड़ा है, ठीक है, किस चीज पर वो स्टैंड करता है। तो के का मतलब कर्ण, हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के सम के बराबर होता है, ठीक है। इतना पता चला, तो इंग्लिश में हम सिंपल कह देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका यूज है कि हम एच और पी और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें दो वैल्यू दी होंगी तो हम बी की निकाल लेंगे, और अगर एच और पी देंगे तो बी की, और बी और पी देंगे तो एच की, और एच और पी देंगे, एच और बी देंगे तो पी की निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना बस चला हमें इससे। इसके बाद देखिए रेशियो होते हैं, कितने तरह के रेशियो होते हैं मैंने बताया आपको, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ये मेन होते हैं, ये मेन है, ये हमेशा से मेन रहते हैं। इनकी जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब होता है वन अपॉन कर, ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है जो वन अपॉन में होते हैं। जैसे एक्स का रेसिप्रोकल अगर मैं आपसे कहूँ तो आप यही कहोगे कि वन अपॉन एक्स होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे वाई का कहूँ तो आप कहोगे वन अपॉन वाई होगा। इसी तरह किसी भी नंबर का आ सकता है, ठीक है। अगर मैं टू का कहूँ तो आप कहोगे कि वन अपॉन टू होगा। अगर मैं 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हूं तो आप क्या कहोगे, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, इसका मतलब क्या होता है, 1 into 1 2 upon 1 equal to 2, यानी 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और 2 का 1 अपॉन 2 होगा। इसका मतलब ये होता है वाइस वर्सा चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका रेसिप्रोकल ये होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है, और कॉट का ये होगा रेसिप्रोकल, यानी वाइस वर्सा चलेंगे, ठीक है। इतना पता चला। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी इसका यूज इसमें कैसे है। जैसे मान लीजिए थीटा,
इनके साथ थीटा होता है, जो कोण होता है हमारा, एंगल जो होता है उसको हम थीटा डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एबीसी साइड है, वर्टेक्स है ट्रायंगल के, और ये जो थीटा है इसको हम एंगल मानते हैं। तो मान लीजिए कि ये ए वर्टेक्स पर थीटा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा निकालने के लिए फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस। अगर थीटा यहाँ है तो ये सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, हमेशा याद रखिएगा। मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से क्लियर फाई होगा। या चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, इसका नामकरण कर दिया ए बी और सी, और थीटा मेरा यहाँ पर है, ए वर्टेक्स पर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी साइड किस ट्राइंगल की होती है, उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है लेंथ में, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा एच ही रहेगा, कभी भी हो हमारा बी और पी ही बदलते हैं। जब थीटा की पोजीशन चेंज होगा दो जगह हो सकता है, तो ए पे होगा या सी पे होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो आने से रहा, कभी भी नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, एक तो ए पर आएगा और सी पर, दो ही चांसेस हैं इसके, या तो ए वर्टेक्स या सी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, तो वो जगह घिरी हुई है। तो एच और एच रहेगा, ये हमेशा एच रहेगा। पी और बी वेरी करते हैं थीटा की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। इतना पता चला। अगर मैं देखूं साइन थीटा की वैल्यू होती है हमेशा से परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है तो ये क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जिसपे वो स्टैंड करता है, क्या जमीन है उसकी, उसे कहते हैं बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पी अपॉन एच होता है ये साइन। कॉस क्या होगा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल यहां लिखता हूं, देखिए क्या है, देखा क्या है, इसका होता है कोसेक। अब देखिए कोसेक क्या होगा, उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल का होता है ना, तो एच ऊपर होगा पी नीचे होगा, ठीक। तो एच अपॉन पी, इसका होता है सेक, आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, बिल्कुल मैंने वही लिखा है। तो सेक थीटा है, इसका उल्टा होगा एच अपॉन पी, ठीक। उसके बाद आता है टेन कॉट, कॉट थीटा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये होगा बी अपॉन पी। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, आप कर सकते हो पी 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 बी पी पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये है साइन का, ठीक है, और ये जो सेकंड है ये है कॉस का, और ये जो है ये है टेन का, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से आओगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखोगे फिर नीचे रखोगे, तो है ये। आप नीचे से करोगे तो ये कुसेक का होगा और ये सेक का होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तीसरा है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ओके। इतना आपको पता चल गया होगा, इतना पता चल गया है। अब मैं एक क्वेश्चन ही इसके बाद में रेसिप्रोकल फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया, ये किसके अकॉर्डिंग है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है। ट्राइंगल यानी यहाँ पे लिख लेते हैं साइड के अकॉर्डिंग, जो हमें साइड दी है उसके हिसाब से। अगर मेरे को साइड गिवन है तो मैं ऐसे निकाल लूंगा थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइड थीटा की वैल्यू ऐसे। अगर मुझे साइड गिवन है तो, अगर मुझे साइड गिवन नहीं होगी तो मैं कैसे निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखिए ये तो थे, अब रेसिप्रोकल फॉर्मूला कर लेते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। रेसिप्रोकल आपको पता है कि साइन है किसका रेसिप्रोकल है, मैंने आपको दिखाया कि कोसेक का है, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। उसके बाद आता है कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, ठीक है। उसके बाद आएगा टेन, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉट, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। सिमिलरली ये भी, ये आगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक फॉर्मूला और है, अगर आप देखो तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप कहोगे कैसे ले सकते हैं, देखिए
साइन टेन क्या था, बी अपॉन पी था ना। अगर मैं पी को भी एच से डिवाइड कर दूं और बी को भी एच से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मेरे को पी अपॉन एच क्या होता है, आप देख सकते हो कि साइन थीटा होता है, क्या लिखूंगा, साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो बी अपॉन एच क्या होगा, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, तो आप यहाँ लिख कॉस थीटा लिख सकते हो, सिंपल है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको मिला एक और नया, बहुत अच्छे। ठीक है, इस तरह से हम कॉट का निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखा आपने, जैसे जिस तरह से मैंने कहा था कॉट है ना, ये ना देखो, इसको एस से भाग करूंगा, ऐसे को भी एस से डिवाइड करूंगा, तो क्या आ रहा है, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस और पी अपॉन एच क्या होता है साइन। ठीक है, बहुत अच्छा, हमने सब कवर कर लिया है, इतना हो गया। बाकी के अभी मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।